नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन। आज फार्मट्रैक 60 जो भारत का सबसे पॉपुलर ट्रैक्टर है उसकी जानकारी मैं देना चाहूँगा। इस ट्रैक्टर के अंदर हमने दी हुई है पूरे 50 HP का इंजन। ये देख सकते हो आप, 3 सिलेंडर का इंजन आता है, पूरा 50 HP का इंजन है AVL टेक्नोलॉजी के साथ। इसका मतलब शक्तिशाली, मेंटेनेंस कम और फ्यूल के खपत में सबसे कम। मतलब बार बार मुझे रेडिएटर की कैप को खोलना या इसके अंदर पानी डालना या कूलेंट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये स्पेशल रिकवरी बोतल दी हुई है। मतलब कारो वाला कूलिंग सिस्टम, बार बार पानी डालने की जरूरत नहीं होगी। खाली आपको इसके अंदर इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम लेवल, हाँ, इसको देखना है और इसके भीतर कूलेंट मेंटेन करना होगा। और इस ट्रैक्टर में आप देखिए, जो सर्विस पीरियड की मैंने बात की थी 500 घंटे, मतलब जो डीजल की भी जो फिल्टर आती है वो एक ही फिल्टर आता है, अन्य ट्रैक्टरों में दो दो फिल्टर। मतलब ये टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हमने दी हुई है, एक ही फिल्टर डबल काम करता है। ठीक, तो आगे का अगर आप लुक देखोगे तो पूरी फार्मट्रैक ट्रैक्टर की जो नाम है, हमने इतनी अच्छी तरीके से क्रोम वाला डेकाल लगाया गया है जो स्टाइलिंग में भी नंबर वन है। और इसके सामने जो ग्रिल का जो लाइनिंग दिए हैं हमने, क्रोम लाइनिंग, और 60 का नाम भी दिए हुए हैं, ये थोड़ा सा आपको एलिगेंट क्लासिक लुक देता है ट्रैक्टर को। ठीक, और इसकी जो लुक को और भी एडवांस करने के लिए हमने क्लियर लेंस, हेडलैम्प, हेलोजन बल्ब, और आप मानोगे नहीं, भारत का पहला ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें हमने LED लैंप्स दिए हैं। और इसको और भी मेंटेनेंस फ्री करने के लिए हमने इसके अंदर एक पावर स्टीयरिंग का सेपरेट ऑयल बॉक्स दिए हैं। ये सेपरेट ऑयल बॉक्स देने का फायदा ये है कि पावर स्टीयरिंग जब आप काम करोगे तो ये AC में से तेल इस्तेमाल करेगा, शुद्ध तेल। और जो हाइड्रोलिक पंप इसमें हम दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं टेंडम पंप। और ये इंजन के ऊपर माउंट होने की वजह से ये इंजन चालू कर दिया तो पंप चालू हो जाते हैं, मतलब लाइव हाइड्रोलिक्स हम बोलते हैं। इससे फायदा यह है कि इंजन चालू तो हाइड्रोलिक चालू, और हाइड्रोलिक आपका एकदम से काम करना चालू करेगा। आपको याद होगा उस तरफ मैंने बताया था कि 500 घंटे का सर्विस। ये जो सफ़ेद फिल्टर आप देख रहे हो, ये सफ़ेद फिल्टर बहुत ही यूनिक फिल्टर है जिसकी वजह से पूरी ट्रैक्टर की सर्विस इंटरवल 500 घंटे हो गया है। और इस ट्रैक्टर में क्लच की अगर हम बात करें, ये सुपर मैक्स होने की वजह से हमने इसके अंदर डुअल क्लच दिए हुए हैं। आधा दबाओगे तो अगर ट्रैक्टर आपका चल रहा है तो ट्रैक्टर रुक जाएगा, और पूरा दबाओगे तो आपका PTO भी रुक जाएगा। मतलब एक ही पेडल में दो ऑपरेशन आपको प्रदान होते हैं और दो क्लच प्लेट ऑपरेट होते हैं। और गियरबॉक्स की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर हमने दिए हैं 8+2 गियरबॉक्स, मतलब आगे जाने के लिए 8 और पीछे जाने के लिए 2। पूरा का पूरा फुली कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स इसके अंदर हम प्रदान कर रहे हैं। इस ट्रैक्टर में सेफ्टी फीचर ये है कि गियर में है हाई लो वाला, तो अगर बच्चों ने चाबी घुमा भी दी तो ट्रैक्टर चालू नहीं होगा। तो मैं इसको गियर में डाल रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाबी घुमा रहा हूँ, देखिए पूरा घुमा रहा हूँ, ट्रैक्टर चालू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको न्यूट्रल करूँगा। देखिए न्यूट्रल कर दी, अभी चाबी घुमाओ, ट्रैक्टर चालू। आइए और एक मुख्य चीज़ इस ट्रैक्टर के बारे में बताना चाहूँगा, वो है PTO। इसको बोलते हैं PTO सिलेक्शन लीवर। ये PTO सिलेक्शन लीवर में 3 ऑप्शन है। अगर मैं इसको आगे कर दिया, आगे की तरफ, इस तरफ कर दिया, तो पीछे मुझे PTO में 540 चक्कर मिलेंगे 1800 इंजन RPM के चक्कर में। अगर मैंने ये PTO को पीछे की तरफ ऐसे कर दिया पूरा पीछे, तो इस ये MRPTO एंगेज हो जाएगा। इसका मतलब जैसे मैं गियर चेंज करता हूँ तो PTO की स्पीडें बदलती रहती हैं, मल्टी रिवर्स PTO। इस ट्रैक्टर में अगर हाइड्रोलिक्स की बात करें तो इस ट्रैक्टर में 3 लीवर आते हैं हाइड्रोलिक से। पहला लीवर जो फेंडर की तरफ है, इसका नाम है पोजीशन लीवर। ये देख सकते हो मैंने पकड़ा हुआ है। ये पोजीशन लीवर का फ़ायदा ये है कि इस पोजीशन लीवर से मैं उपकरण जैसे जो सेकेंडरी है, रोटावेटर, लेवलर, या बीज बोने वाला मशीन, वो इस्तेमाल कर सकता हूँ।
और इसका दूसरा लीवर का नाम है जो ड्राइवर सीट की तरफ है, इसका नाम है ड्राफ्ट लीवर। इसके फायदे ये हैं कि इसके अंदर ADDC सेंसिंग उपलब्ध होता है। इससे आप उपकरण जैसे जो प्राइमरी उपकरण कहलाते हैं MB प्लाव, डिस्क प्लाव, सब सॉइलर, कल्टीवेटर, अन्य जो उपकरण इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरा लीवर जो है, जो स्टैंडर्ड फिटमेंट आता है, जो अन्य ट्रैक्टरों में ये अक्सर आप पाया नहीं जाता है, तो हम ये स्टैंडर्ड फिटमेंट दे रहे हैं। ये लीवर से आप टिपिंग ट्रॉली उठा सकते हो, होल्ड कर सकते हो या टिपिंग ट्रॉली को गिरा सकते हो। तो हाइड्रोलिक की जो सारे काम आप मार्केट में कर सकते हो, वो सारे काम करने के लिए इस ट्रैक्टर में पूरी सुविधा दी गई है। ट्रैक्टर में खाली आगे ही नहीं, हमने जो पीछे जो लगते हैं हैजार्ड लैंप्स या इंडिकेटर लैंप्स, वो भी हमने LED लाइटें लगाई हुई है। पूरे भारतवर्ष में अगर देखोगे तो पहला ट्रैक्टर कंपनी है जहां पर आपको LED लाइट की सुविधा दी गई है। ठीक, इसी पूरी बैकएंड अगर आप देखोगे तो इतनी हैवी ड्यूटी हमने बनाया हुआ है, और इसकी जो टॉपलिंग माउंटिंग ब्रैकेट भी है, इसमें भी दो हाइड्रोलिक के ऑप्शन है। अगर आपके यहाँ सख्त मिट्टी है तो आप टॉपलिंग को नीचे लगाओगे, अगर आपके यहाँ नरम मिट्टी है तो आप टॉपलिंग को ऊपर की तरफ लगाओगे। मतलब ये ट्रैक्टर में ऐसी ADDC सेंसिंग है कि जमीन जैसा है उस तरीके से ये सेंसिंग करेगा। आइए एक बार ट्रैक्टर की टेस्ट ड्राइव देख के आप खुद महसूस कीजिए।